दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीते तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ICC T20 विश्व कप 2021 के बाद 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जहाँ पर आज यानी कि 17 नवम्बर के दिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहला T20 मुकाबला हो। तो वही दोस्तों, हम आपको बता दें इस सीरीज का बेसब्री से हर किसी को इंतजार था, जहाँ पर ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार झेलने वाली न्यूजीलैंड की टीम और सुपर 12 के बाद टूर्नामेंट से बाहर होने वाली भारतीय टीम आज से अपने नए मिशन पर शुरुआत करेगी। तो वहीं दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज आज अब शुरू हो चुकी है, जहां पर दोनों ही टीमों के निशाने पर T20 विश्व कप का अगला संस्करण होगा। लेकिन यह दोनों टीमें एक दूसरे को हराना चाहेंगी और ऐसे में यह मैच दिलचस्प होने वाला है। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में करवाया जा रहा है। दोस्तों, आज के इस मुकाबले में टॉस एक अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आया, क्योंकि जो सी भी टीम टॉस जीतती वो आज के इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेती, क्योंकि यहां पर गेंदबाजी में पहले काफी ज्यादा मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत बनाम न्यूजीलैंड सीरीज का पहला मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आप सभी लाइव देख सकते हो, जहां आपको अलग अलग चैनलों पर आपको हिंदी और अंग्रेजी में अन्य भाषाओं में कमेंट्री सुनने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले में हर किसी को यही लगता है कि भारतीय टीम इस मैच आसानी से जीत लेगी, क्योंकि यहाँ पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की तरफ से दो अहम खिलाड़ी उनकी टीम में बाहर हो चुके हैं। दरअसल पहले तो कप्तान केन विलियमसन, जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है T20 सीरीज से और वो सीधा टेस्ट सीरीज में आप सभी को खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं दूसरे खिलाड़ी काइल जेमिसन, जहां पर काइल जेमिसन ने भी अपना नाम इस T20 सीरीज से बाहर ले लिया, और ऐसे में दो बड़े खिलाड़ियों के बाहर होते के साथ ही भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा खुशखबरी वाली बात है। लेकिन अगर एक नजरिए से देखें तो रोहित शर्मा इस मुकाबले में पहली बार कप्तानी करेंगे और ऐसे में उनके सामने टीम सऊदी की सेना अड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड की टीम ने काफी दमदार प्रदर्शन कर दिखाया था। हालांकि अगर प्रैक्टिस मैच की देखें तो जो प्रैक्टिस मैच न्यूजीलैंड और भारत के बीच में खेला गया था उस मुकाबले में भी भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन करा था, लेकिन दोस्तों अंत में आते आते न्यूजीलैंड की टीम ने पासा पलट दिया और ये मैच टाई करवा दिया गया था। लेकिन हालांकि अब हर किसी की निगाह इस पहले T20 मैच पर होंगी, क्योंकि इस पहले T20 मैच में जो सी भी टीम जीतेगी तो वो इस सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर लेगी, जो कि भारत अपने एंड से तो चाहेगा ही हासिल करना, और साथ में न्यूजीलैंड भी इस सीरीज को कब्जे में अपने करना चाहेगा। और इससे हम सभी को यह भी पता चलेगा कि भारत की नई प्लेइंग 11 टीम आखिरकार किस तरह का प्रदर्शन करेगी। लेकिन अगर पुराने मैचेस को उठाकर देखें तो न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ भारतीय टीम ने T20 सीरीज में काफी शानदार प्रदर्शन किया, लगभग वो मैचेस को जीत ही गई है। लेकिन यहाँ पर भारत को अब न्यूजीलैंड की टीम को हल्के में नहीं लेना होगा। यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो कि अंतिम समय में गेम पलटना भी जानते हैं, और इस बात का ध्यान भारतीय टीम को रखना होगा। हालांकि दोस्तों, अब पहले T20 मुकाबले को देखते हुए आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम पहला T20 मुकाबला जीत सकती है, भारत की टीम या फिर न्यूजीलैंड की टीम? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, वैसे में न्यूजीलैंड को मिली करारी हार के बाद अब न्यूजीलैंड की टीम UAE से सीधा न्यूजीलैंड नहीं जाएगी, जहां पर वो न्यूजीलैंड से सीधा भारत के लिए रवाना हुई है। तो वहीं हम आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में भारतीय क्रिकेट ग्राउंड पर 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाने वाली है, जहां पर इस तीन मैचों की T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम अब तैयारियों में जुट चुकी है। और वहीं बात करें अगर भारत की, तो भारत की टीम भी काफी लंबे समय से तैयारियां कर रही है और यहां पर इस T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला 17 नवंबर यानी कि बुधवार को खेला जाएगा, और इस मुकाबले को देखने के लिए हर किसी को बेसब्री से इंतजार होगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।